प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस सेंटर के अंदर और उज्बेकिस्तान की तरफ से उनका दिल खोलकर किया जा रहा है स्वागत। ये देखिए, मेजबान कंट्री है उज्बेकिस्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर मौजूदगी और आज भारत का रुख क्या रहने वाला है इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा कार्यक्रम है वो भी कहीं ना कहीं एक संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 24 घंटे की ये जो मौजूदगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की SCO समिट के लिए समरकंद में, इसे रोबिंदर सचदेवा साहब किस तरह से देखते हैं आप? थैंक यू। देखिए, हमारा एक ऑब्जेक्टिव ऑल्सो ये है शायद कि अगले 10 साल हम अपने शांति और चाइना को पुशबैक करके निकाल दें, हम अपनी इकोनॉमी को डिफेंस जितना ज़्यादा तैयार कर लें कर लें। तो हमारी रणनीति जो इस समय चल रही है वो ये भी है, इट्स नॉट दैट ओके हम वी आर रेडी फॉर अ वॉर, बट ये नहीं कि वी वांट अ वॉर, अभी हमें वॉर नहीं चाहिए। जब हम तैयार हो किसी और एंगल से तो हमें 10 साल का वक्त लगाना है। अभी इस दौरान जो जैसे रशिया में पुतिन और ईरान से बात हो रही है उसमें ये बात नहीं कि मोदी जी उनसे कहें कि आप शांति का रास्ता अपनाइए, नहीं, उनसे ये ऑफर करें कि अगर आप शांति चाहते हैं तो हम आपकी डील ब्रोकर कराते हैं अमेरिका के साथ। हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है उस रोल को प्ले करने की। बिल्कुल बिल्कुल, ईरान के साथ भी रशिया के साथ भी आप चाहते हो अगर, या जब भी आप चाहो शांति करना रोकना, सही बात है। ये अब्दुल्ला रिपोव उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम तस्वीरें हमने आपको सीधे समरकंद के कांग्रेस सेंटर से दिखाई।